गैस जब पिछले साल 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर कालाबाजारी हुई थी जम के हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क की, इस बार 2021 के अंदर ऑलरेडी मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर की भरपूर मात्रा मार्केट के अंदर है, तो उसकी कालाबाजारी होना नामुमकिन है। बट इसी बीच अभी फिलहाल क्या है, ऑक्सीमीटर के ऊपर कालाबाजारी की जा रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा ऑक्सीमीटर लें और जो ऑक्सीमीटर आप ले रहे हैं उसको किस तरीके से चेक करें ताकि कंफर्म कर पाए आपकी वो हार्ट बीट के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल सही बता रहा है। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, इस रबड़ बैंड की हेल्प से मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस ट्रिक से आपको भी पता चल सकता है कि जो आपका ऑक्सीमीटर है वो आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही बता रहा है या फिर आप उसके चक्कर में बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये 100 बताता रहेगा तो भाई साहब इधर से ऑक्सीजन बॉडी का डाउन हो जाएगा, और ये 100 बताता रहेगा जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसी चीज के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो रहने वाला है। सो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस बेसिकली ऑक्सीजन को चेक करने के लिए इसको हमें प्रेस करके अपने फिंगर पे इस तरीके से लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हार्ट रेट का यहाँ पे हमें इंडिकेट हो रहा है कि किस पोजीशन में हमारे हार्ट की बीटिंग हो रही है, और साथ ही साथ 82 यहाँ पे बीपीएम आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे आ रहा है 99। तो अगर आपका फेक होगा ना ये वाला तो वो 96 से 99 के बीच में बताएगा, उससे कम अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल जाती है तो वो इंडिकेट नहीं कर पाएगा। अभी हाल फिलहाल में मेरा देखिए 99 यहाँ पे शो हो रहा है, और हार्ट बीट अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 83 आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट रेट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो जैसे ही देखिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो गए। तो बेसिकली हमें इसका चेक करना है कि इसका ऑक्सीजन लेवल वाला जो मीटर है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अभी मैंने आपको फिंगर पे लगा के दिखाया, और अब आपको करना कुछ यूं है कि ये इस तरीके का या फिर कोई और रबड़ बैंड लेना है और अपनी फिंगर के ऊपर बिल्कुल टाइटली इसको यहाँ पे इस तरीके से चढ़ाना है जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ पे रुक जाए। तो बेसिकली आपको अपनी उंगली में जो खून की सप्लाई है उसको कर देना है बंद, और अब 2 से 3 मिनट का करना है यहाँ पे आपको वेट। तो जैसे ही आप थोड़ा टाइम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे नीली होना आपकी उंगली स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम इसे लगाते हैं तो यहाँ पे रीडिंग कुछ अलग आनी चाहिए, अगर सेम रीडिंग आती है तो मतलब आपका ऑक्सीमीटर फेक है। तो कर लिया हमने इसको ऑन, और यहाँ पे लगा के देखते हैं भाई साहब। तो देखिए अभी ये जहाँ यहाँ पे ये हमारी हार्ट बीट की बीपीएम जो है, बीपीएम वाली जो लाइन है वो कितना फास्ट चल रही है बिल्कुल, और यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0 और यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है 0। देखते हैं कब तक ये रीडिंग ले पाता है, वेट करते हैं कुछ, हो सकता है। ये देखिए हार्ट बीट हमारी दिखा रहा है 19 और ऑक्सीजन लेवल देखिए कम हो चुका है हमारा, 93 यहाँ पे शो हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जितनी टाइट करेंगे ना आप उंगली को उतना ही ये डाउन जाएगा। अब देखिए हार्ट रेट काफी कम है तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है, और ऑक्सीजन लेवल देखिए नीचे जा रहा है, 93 था 93 से 92 हो चुका है। तो देखते हैं और नीचे जाता है क्या, ये देखिए 90 आ गया। अगर फेक होगा ना आपका तो वो 90 से नीचे नहीं जाएगा, तो यही बस टेस्ट आपको करना है एक छोटा सा। देखिए 89 आ गया, जैसे ही 90 से नीचे गया इसने ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का डाउन जा रहा है, तो आपको जल्दी से डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत है। तो ये चीज जरूर चेक कर लीजिए कोई भी ऑक्सीमीटर आप लेते हैं उससे पहले, ताकि ये सुनिश्चित हो पाए जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है और इसका बेस्ट बाय लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप इसको ले सकते हैं 82। तो ये धीरे धीरे भाई साहब कम होता जा रहा है यहाँ पे, और मैं अभी इसको फिलहाल यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि मेरी फिंगर यहाँ पे होने लगी है पेन। तो एक रीडिंग हम इसको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लेंगे, अनकट रखूंगा मैं इस वीडियो को। तो भाई साहब उंगली का हाल देखिए क्या हो गया, तो अच्छे से पहले इसमें ब्लड फ्लो हो जाए तो इसको सेट होने देते हैं अपनी, ठीक है ओके। अब इसमें दोबारा से इसको लगा के देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखिए इस बार ये बिल्कुल सही चल रहा है हमारा जो बीपीएम वाली जो लाइन है हार्ट रेट की, और हार्ट रेट हमारी आई यहाँ पे 76 और ऑक्सीजन लेवल आ रहा है 99। तो ये पहचान होती है आपका ऑक्सीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं।
और आपको अगर ये वाला ऑक्सीमीटर चाहिए तो उसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा अमेजोन से। वहां पे काफी अच्छे रेट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, लगभग 1100-1100 रुपए के अंदर ये मिल जाएगा। और मार्केट के अंदर से अगर आप ये वाला लेंगे तो भाई साहब ये आपको मिलने वाला है 1400 से 1500 के बीच में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे खुद के फ्रेंड की शॉप थी जिससे मैंने पता किया कि भाई ऑक्सीमीटर चाहिए, तो उसने मेरे को नहीं बख्शा तो किसी और को क्या बख्शे। ये 500 से 800 के बीच का प्रोडक्ट है, जेनरिक है बिल्कुल। और अभी जो ब्रांडेड वाले ऑक्सीमीटर्स आ रहे हैं वो तो अभी फिलहाल मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, लोगों ने पहले ही लेके रखे हैं। ये वाले मिल रहे हैं, इनमें भी काफी सारे फेक हैं। अगर सेम आपको यही चाहिए तो बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले लीजिए। बाजार से बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि वो फेक भी हो सकता है और आपको उसके ज्यादा कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इन फ्यूचर भी इसी तरह काफी सारे अपडेट्स एंड वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, सो मेक श्योर जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।